friends, welcome to our channel Sata Kitchen. Today we are going to make everyone's favorite, that is Maggie, but in a very healthier manner. So let's start preparing Maggie. But for that we need ingredients, that is Maggie, chopped cabbage, chopped onion, chopped tomato, chopped potatoes, boiled corn, chopped capsicum, fried paneer, chopped carrot, coriander, that is dhania, chili, peas, cheese and dry spices. We need salt, turmeric, that is haldi, red chili powder, Schezwan chutney and Maggi masala. चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम बनाना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम मैगी को करेंगे बॉईल. जैसे कि आप देख रहे हैं पानी बॉईल हो चुका है. अब हम इसमें ऐड करेंगे मैगी. मैगी ऐड करने के बाद हम इसमें एक पैकेट मैगी मसाला भी ऐड करेंगे. इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बॉईल होने के लिए रख देंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं ये अच्छे से कुक हो गया है. अब हम इसे ठंडे पानी से वॉश कर देंगे. अब हम फ्लेम बंद कर देंगे. गाइस, हमने इसे 80% ही कुक किया है. सो आप भी ध्यान रखना बिफोर कुकिंग कि आप इसे 80% ही कुक करें, पूरा बॉईल ना करें. अब हम इसे ठंडे पानी से वॉश करेंगे. अब हम लेंगे एक पैन, उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल. थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे पोटैटोस. ऑयल गर्म हो चुका है. हम थोड़ी देर पोटैटोस फ्राई करेंगे. आफ्टर फ्राइंग पोटैटोस हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन. अच्छे से मिक्स करेंगे. थोड़ी देर कुक होने रखेंगे जब तक ये पिंकिश ना हो. इसके साथ हम ऐड करेंगे चिली. अब हम इसे थोड़े कुक होने देंगे. अब हम इसमें बाकी के वेजिटेबल्स ऐड करेंगे. हम कैरेट डालेंगे, टोमेटोस, कैप्सिकम, बॉइल्ड कॉर्न, पीस, हम इन सब वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करेंगे एंड थोड़ी देर तक कुक करेंगे. अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई स्पाइसेस, सॉल्ट एज पर टेस्ट, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, मैगी मसाला, शेजवान चटनी 3 टीस्पून. अब हम इन सब स्पाइसेस को वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड थोड़ी देर कुक होने रखेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं सारी वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो गए हैं. अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राइड पनीर. अब इसमें डालेंगे बॉइल्ड मैगी.
अब हमने सब मिक्स कर लिया है। अगेन हम इसे अच्छे से घुमाएंगे। घुमाने के बाद इसे फिर से थोड़ी देर कुक होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया एंड अगेन इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारी मैगी रेडी हो चुकी है, हम इसे एक बोल में डाल देंगे। बोल में डालने के बाद अब हम इसे गार्निश करेंगे चीज से। चीज डालने के बाद अब हम इस पे थोड़ा कोरिएंडर स्प्रिंकल करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी मैगी रेडी है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू कमेंट।